हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार मैंने सोचा था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं उसको लास्ट वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग कभी कश्मीर आओ तो अप्रैल में मोस्टली होता क्या है कि बारिशें यहाँ पे बहुत ज्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं और आप बिल्कुल वैसे ही फंस जाओगे जैसे मैं फंसा हुआ हूँ अभी यहाँ पे। तो कल रात से अभी कोई खैर बारिश तो हुई नहीं है कल रात से, बट यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। हाईवे पे जितने भी होटल्स हैं, होटल्स ही क्या तुम इन्हें गेस्ट हाउस समझो, जितने भी गेस्ट हाउसेस हैं, जितने भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे फुल हैं। मतलब इतनी पब्लिक रुकी हुई है, उसके बाद भी लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिली। तो बहुत सारे लोग जो बसेस में आए थे वो अपने बसेस में ही रुके हुए हैं। अभी एक वेस्ट बंगाल का बंदा था, उससे मैंने पूछा तो बोले लगा कि जो वैष्णो देवी की यात्रा होती है उसको भी कैंसिल कर दिया अभी करंटली जब मैं यहाँ पर हूँ। सो आई डोंट नो कि रास्ता कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, हम सभी वेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर उसके अलावा जितने भी लोग हैं, ये नहीं कि सिर्फ 10 गाड़ियां 20 गाड़ियां 30 गाड़ियां, नहीं, अप्रोक्सीमेटली 7.5 किलोमीटर पीछे तक गाड़ियां लगी हुई है और लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हुए सो रहे हैं। तो इतना बुरा हाल हो गया है यहाँ पे। मैंने भी सोचा था कि कल मतलब प्रोबेबली हम आज सुबह तक या कल रात तक घर पहुंच जाएंगे, बट ऐसा हुआ ही नहीं बारिशों की वजह से, रास्तों की वजह से। और यार लिटरली इस टूर पर, मेरे इस ट्रिप के ऊपर ना बारिशों ने बहुत ज्यादा काम खराब कर दिया मेरा, पैसा बर्बाद। जब से हम आए हैं तब से बारिशें हो ही रही हैं। वेंसडे को मौसम साफ था, बट उसके बाद से जब से हम लोग आए हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे बारिश है, वेंसडे को मौसम साफ, फिर थर्सडे फ्राइडे और अब सैटरडे, और अभी भी बारिश के आने के 90% चांसेस है। इनकेस अगर बारिश अभी भी आ गई तो रास्ता नहीं खुलने वाला। और अगर आप लोग आओ तो प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है अगर कोई रास्ता बंद हो तो आपके पास कोई लोकल आए और आपसे बोले कि अगर ये रास्ता बंद है मैं आपको किसी कच्चे रास्ते से लेकर चलता हूँ, किसी दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ। प्लीज उनकी बातों में मत आना, वो सिर्फ अपना पैसा बनाएंगे और आपको किसी ऐसी जगह पे फंसा देंगे कि जहाँ से आप ना निकल पाओगे ना आगे बढ़ पाओगे। एटलीस्ट यहाँ पर हाईवे पर थोड़े गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ पर लोग रुक जाते हैं, बट कल रात को यार खाना ढूंढने में भी इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि खाना यहाँ पर था ही नहीं। इतनी पब्लिक यहाँ पर, इतनी पब्लिक, एक 20 रुपए वाली 50 रुपए वाली मैगी को इन्होंने 200-300 रुपए पे बेचा है, हमने खुद खाई है। मतलब इतनी पब्लिक यहाँ पर आ गई है, और इवन तुम अभी मेरा फेस देख ही सकते हो जिस गेस्ट हाउस में हम रुके हुए हैं, वो मैनेजर, जो मैनेजर बोलो ऑनर बोलो पता नहीं कौन है, वो खुद बोल रहा है कि पहली बार हमने इतनी पब्लिक यहाँ पर देखी है, जिसकी वजह से ये लोग खुद बौखला गए हैं कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। इवन अभी जितनी भी गाड़ियां सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे बंदे तो ऐसे जो कल सुबह 9 बजे से आए हुए हैं कि कब रास्ता खुले और कब वो जाए। आई डोंट नो कि कब रास्ता खुलेगा, हम लोग कब घर जाएंगे। अब सच बताओ अब घर की याद आ रही है, क्योंकि जब ट्रिप पूरी होने वाली होती है ना बस फिर घर ही नजर आता है कि चलो अब घर चलते हैं। अभी तुम मेरा फेस देख ही सकते हो, ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सोकर उठाऊ, क्योंकि गाड़ी में भी पानी नहीं है, जो पानी है वो सिर्फ पीने का है, ऊपर गेस्ट हाउस में भी पानी है ही नहीं। पानी पानी पानी, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखो मैं कितनी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, ये सारा गेस्ट हाउस है जहाँ पर गाड़ियां लगी हुई है, उसके अलावा ये बस है जिसमें लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके पीछे जो ट्रक्स हैं वहां तक ट्रक्स हैं, और सिर्फ वहां तक ही ट्रक नहीं है, ट्रक्स ट्रैवलर्स बहुत सारी गाड़ियां 7-7.5 किलोमीटर पीछे तक लगी हुई है। मतलब इतना ट्रैफिक है। इनकेस अगर रास्ता खुलता है तो रास्ता बहुत ही ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला हो जाएगा, तो प्रॉबेबली ये गाड़ियां छोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी करके छोड़ेंगे, ताकि फिर दोबारा से थोड़ा इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि ये NH44 लगता है और NH44 में कश्मीर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं पठानकोट या जम्मू की तरफ, तो बीच में थोड़ा कच्चा रास्ता पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर का, तो वो रास्ता थोड़ा कच्चा रास्ता है जिसकी वजह से भी इन्होंने रास्ता बंद करके रखा हुआ है। और लैंडस्लाइड बहुत हुई है टनल के पास, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है, बहुत वीडियोस आई हैं। बट सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही हम फंसे हुए, एटलीस्ट यहाँ पे नेटवर्क है, हम लोगों ने अपने घरों पे बता दिया कि हाँ हम लोग ठीक है, बट आज अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे या परसों आएंगे जब भी रास्ता खुले। और बट अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है कि कब तक रास्ता खुलेगा कब तक नहीं खुलेगा। मेरा दिमाग खराब हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एक एक गेस्ट हाउस के अंदर एक रूम के अंदर ना 5-5-6-6 लोग सोए हैं रात। हमारे रूम में भी 3-4 लोग अननोन आकर सोए थे, तो उसकी वजह से मैं नीचे गाड़ी में आ गया था और मैं गाड़ी में आकर सो गया, क्योंकि मुझसे नहीं सोया जा सकता ऐसे। चलो अगर आती है कोई अपडेट तो मैं बताता हूँ, ऑब्वियसली बात है वीडियो कंटिन्यू करूंगा, और अदरवाइज अगर रास्ता खुल जाता तो फिर रास्ते का मजा लेते हुए अपने घर पहुंचेंगे। जब तक लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक, और मुझे जाके ब्रेकफास्ट ढूंढना है क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। All
राइट गाइस, अब हो गए हैं 10:45 और अभी तक रास्ता नहीं खुला। इवन जितनी भी यहाँ पे भी और गाड़ियां थी ना, और गाड़ियां आ गई हैं। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगने वाला है जैसे ही रास्ता खुला। तो हम लोगों को लग रही थी भूख और यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। उबले हुए राइस मिल रहे थे और ऑयल ही दाल मिल रही थी। तो हम थोड़ा श्रीनगर की तरफ गए, वहां से हम मीट लेकर आए। मीट लाने के बाद अब हमें यहाँ पे इस भट्टी पे हम बनाएंगे मटन। सारा सामान वहां से खरीदा, एवरीथिंग। भट्टी हमारे पास ऑलरेडी थी, कोयले हमारे पास ऑलरेडी थे, पैन हमारे पास था। अब इस पे खाना बनाएंगे। तो अभी हमारी भट्टी तैयार हो गई है और इसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मटन का मजा मस्टर्ड ऑयल में आता है। और यार स्टार्टिंग से ना बचपन से, मतलब सॉरी बचपन कह रहा हूँ, बहुत टाइम से ऐसी वीडियोस देख रहे हैं कि लोग पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहाँ खाना बनाते हैं। फील वही आ रही है बस, अगर यहाँ पे गाड़ियाँ ना हो तो। हमारा ऑयल हो गया गर्म। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगा खड़े मसाले, हम जिसको कहते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो अदरक लहसुन पेस्ट के बाद अब मैं डाल रहा हूँ इसमें अनियन। तो अभी मैंने इसमें डाला नमक ताकि प्याज अपना पानी छोड़ो, थोड़ा जल्दी गले। तो प्याज अप्रोक्सीमेटली हो ही गई है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। हमारे पास 800 ग्राम मटन है तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 मीडियम साइज के टमाटर पेड़ करेंगे ताकि टमाटर भी अपना पानी छोड़े और थोड़ा ग्रेवी टाइप हो जाए। उसके बाद फिर इसमें मटन आएगा, फिर मटन की हम भुनाई करेंगे। हमारे टमाटर और प्याज ऑलमोस्ट गल चुके हैं, अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। रेड चिली पाउडर आ गया, ये हमारा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसलिए होता है ताकि ये थोड़ा ग्रेवी बना सके। अगर आप धनिया डाल रहे हैं और नीचे पानी कम है, टमाटर का आपको पानी लग रहा है, तो धनिया जल जाएगा, इसके लिए आपको पानी डालना पड़ेगा। और ये आ गया थोड़ा सा पानी। अब जाएगा इसमें मटन जो है हमारा 800 ग्राम। अब हमें करनी है इसकी भुनाई। जितने भी मसाले हैं ये नीड उसको ऑब्जर्व कर लें। तो मटन डालने के बाद अब इसको अप्रोक्सीमेटली हमको बंद करके कुक करना है। तो थोड़ी देर ऐसे ही कुक करना है और जब तक हमारा इंशाल्लाह मटन बनेगा, हो सकता है जब तक हम खाएंगे जब तक शायद रास्ता भी खुल जाए, अदरवाइज फिर रात को बाहर भी क्यों करेंगे। तो हमारा मटन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। 2 घंटे बाद, 2 घंटे लग गए इसको बनाते बनाते। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि ट्रैफिक भी खुल गया है। अभी देख ही रहो, यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई थी सारी चली गई, यहाँ से सारी गाड़ियाँ चली गई। अब जो सिर्फ बचे हैं वो हम ही बचे हैं। और अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे क्योंकि उस तरफ अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, बहुत ट्रैफिक है उस तरफ। अब खाना खाएंगे, खाना खा के फिर निकलेंगे, फिर इंशाल्लाह नॉन स्टॉप गाड़ी चलाएंगे अगर रास्ता खुल जाता है तो। तो हमारा मटन हो गया रेडी। क्या खुशबू आ रही है, ये हमारा मटन है। सबसे पहले शाहिद भाई को चखाएंगे। शाहिद भाई मटन चखे होगा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है भाई। आई कृष्ण जी फेल उधर है कैमरा भाई। हम भी कह रहे हैं आप लोगों से कि एक बार हमारे भाई का हाथ का मटन चखा ट्राई कर लो बस। रेसिपी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और रेसिपी के लिए कमेंट कीजिए। हम रेसिपी के लिए कमेंट कीजिए, सही बात। कमेंट में रेसिपी बताएं। चलो यार फटाफट से, ट्रैफिक हो गया, टाइम भी खुल गया। चलो यार जुनेद। तो यार खाना खा लिया हम लोगों ने, चाय पी ली, बट अभी भी गाड़ी हम लोगों ने हिलाई नहीं यहाँ से। गाड़ी अभी वहीं पे खड़ी हुई है क्योंकि जितना भी ये ट्रैफिक है ना पूरा रुका हुआ है। 1.5 घंटा हो गया अप्रॉक्सीमेटली रास्ता खुले हुए, बट अभी तक एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। तो अब वेट कर रहे हैं कि जैसे कोई गाड़ी आगे बढ़े तो फिर हम निकले, अदरवाइज जाम में ट्रैफिक में फंस के कोई फायदा है ही नहीं। और पता नहीं कि अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज भी नहीं खुलेगा, और अगर नहीं खुला इनकेस तो गेस्ट हाउस के नीचे तो खड़े ही है, अगर आगे चले गए तो आगे कुछ भी नहीं है। सो वी आर गोइंग टू वेट एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो हम लोग अभी ट्रैफिक में घुस गए हैं। पहले तो लगा था सिर्फ रोड पे बट लोगों ने रॉन्ग वे में भी ट्रैफिक लगा रखा है, उस तरफ भी ट्रैफिक लगा रखा है। हम लोग खुद रॉन्ग वे के अंदर खड़े हुए हैं अभी, तो जैसे ही थोड़ा सा भी हलचल होगी गाड़ी घुसेड़ देंगे क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज 15 किलोमीटर पीछे से लाइन लग रही है, ये 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। क्यों शायद भाई ये क्या हो गया तुमको? बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ की गर्मी स्किन जला देगी, यहाँ की गर्मी तुम्हारी स्किन जला देगा, जो रंग चला देगा, जो कश्मीर का कलर चढ़ा है वो उतर जाएगा। तो हम लोगों ने गाड़ी रॉन्ग वे से लेके अपनी लाइन में लगा ली है, बट ट्रैफिक देखो यार यहाँ पे एक बार कितना है। सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं, बंदे अपनी गाड़ियों पर से उतरे हुए हैं, इधर ट्रैफिक उधर ट्रैफिक। बस इन सब में एक सबसे अच्छी बात पता है क्या शायद भाई? वो देखो सामने पहाड़। बस हमारे चारों तरफ ग्लेशियर है और कुछ भी नहीं है। अभी बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं बिल्कुल। धूप आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। लेकिन यार एक बात का टेंशन हो रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। Who knows? इसके लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए,
क्योंकि अब इंशाल्लाह इसको एंड करूंगा मैं घर जाके। आई थिंक यार ट्रैफिक छोड़ा इन्होंने, नहीं 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 उस तरफ का आ रहा है बस, अभी तक उसी तरफ का ट्रैफिक छोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत गाड़ियां फंसी हुई हैं। अगर मैं पीछे लाइन में लगाता ना गाड़ी, मुझे 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता, क्योंकि कल रात को 12 किलोमीटर तक का मैंने खुद मैप में देखा था, 12 किलोमीटर तक की गाड़ियां लगी हुई थी रास्ते में, और आज तो प्रॉब्ली ज्यादा ही होगा। अब तो पूरा जाम श्रीनगर तक पहुंच गया। हाँ पूरा श्रीनगर तक जाम है, ये बहुत जाम है यार, बहुत जाम है। वेदर चेंज हुए जा रहा है बार बार, कभी धूप निकल रही है फिर काले बादल आ गए, और अगर बारिश हो गई तो रास्ता आज नहीं खुलेगा, हम आज भी नहीं आ पाएंगे अम्मी। यार पता नहीं आर्मी वाले के दिल में क्या आया, कहने लगा कि तुम इस साइड मत खड़े हो, तुम इधर से निकल जाओ। तो अभी हम रॉन्ग वे पे जा रहे हैं, जैसे देख ही रहा हूँ अभी रॉन्ग वे पे जा रहा है। आर्मी वाला कहने लगा कि कहाँ जा रहा हो, कहाँ जाना है तुमको? मैंने ऐसा, हमें तो दिल्ली जाना है। कह रहा दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, तुम इधर से निकल जाओ। चलो यार अब बस इंशाल्लाह पहुंच जाए घर एक बार ये क्रॉस हो जाए ना, क्योंकि आगे ट्रैफिक नहीं है, जैसे देख रहा हूँ आगे ट्रैफिक नहीं है, जो ट्रैफिक है वो सिर्फ इस वाले रोड पर है, जो ट्रैफिक है वो सिर्फ इसी रोड पर है, उसके अलावा कोई ट्रैफिक ही नहीं है, गाड़ियों को रोक रखा है ना। लेट्स सी अब अगर हमको इसको जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। यार हमारी खुशी सिर्फ दो पल की थी, क्योंकि हमको मेन जो है ना वो ये है NH 44 जिस पर हमको जाना है। तो यहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े हैं कह रहे हैं कि तुमको सिर्फ आगे आने को बोला, तुमको जाने के लिए नहीं बोला, तुम गाड़ी अपनी साइड में लगा लो। बट ये अच्छी चीज हुई, हम अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर आगे आ गए, ट्रैफिक में अब सबसे आगे हम ही है, क्योंकि मेन जो है ना वो है जहां से जहां तक ट्रैफिक लगा हुआ है, मेन वो चीज है। ठीक है अब प्रोबेबली इंशाल्लाह जैसे ट्रैफिक खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले प्रोबेबली हम ही होंगे। अब देखते हैं, अब इंतजार करते हैं कब तक ट्रैफिक खुलेगा कब तक नहीं खुलेगा, जब तक वेट करेंगे और क्या। गाने सुनते हैं, चलो आओ छुमंतर हो जाए। 2 घंटे खड़े रहने के बाद थोड़ी सी उम्मीद नजर आई, बट वो उम्मीद 1 सेकंड की थी जिसमें 2 गाड़ी निकल गई, फिर रास्ता रोक दिया। देखो फिर रास्ता रोक दिया, सारा रास्ता रुका हुआ है, उधर भी एक्चुअली उधर से ट्रैफिक तो आ रहा है, इधर से भेज नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं भेज रहा, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा है, बोल रहा है बस खुलेगा खुलेगा खुलेगा। कुछ लोगों कह रहे हैं कि आज नहीं खुलेगा, तुम वापस जाओ कल आना। क्या होगा यार, दिमाग खराब हो गया यहाँ पे खड़े खड़े। 3:15 हो गए, 1:15 से हम लाइन पे लगे हुए हैं, मतलब 1:15 से लाइन में लगे हुए, 3:15 हो गए हैं यहाँ पे। तो यार 2 घंटे बाद ट्रैफिक खुला फाइनली, टोल भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया और अब आ गए नेहरू टनल। अब इंशाल्लाह बस दुआ तो यही है कि रास्ता खुला रहे, ट्रैफिक नहीं मिले बिल्कुल भी, क्योंकि मैप में तो ये पूरा रेड दिखा रहा है अभी भी, शायद मैप स्टक हो गया है। तो फाइनली हम आ गए नेहरू टनल के अंदर, जो आई थिंक 8 किलोमीटर है, 6 या 8 है ना जुनैद? 8.5 किलोमीटर की ये टनल है। तो नेहरू टनल हमने क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने के बाद ही मौसम हो गया ख़राब, फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई। अब मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि आगे एक और टनल है, अगर वो टनल भी बंद हुई ना फिर दोबारा से ट्रैफिक में फंस जाएंगे, और यहाँ पे तो कोई होटल भी नहीं है जहाँ पर स्टे कर सके, प्रॉब्ली फिर दोबारा सारे गाड़ी में ही करेंगे स्टे। मैं तो सुबह कर चुका हूँ गाड़ी में स्टे, फिर अगली बार हम सारे गाड़ी में स्टे करेंगे, बट होप फॉर द बेस्ट। सॉरी जबान भी मेरी वॉबल कर रही है, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आप नजारों के मजे लीजिए। इतनी स्पीड में आए हम लोग, आने के बाद फिर दोबारा से ट्रैफिक में फंस गए, पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। अपना फोन दिया, ये रखा हुआ ना, ट्रैफिक देखो कितना लंबा है, पूरा ट्रैफिक है ये, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है ट्रैफिक, बिल्कुल ये चला और रुक गया, यही चल रहा है अभी जिंदगी में। एक चीज तो मैं समझ गया हूँ कि अप्रैल में मुझे कश्मीर आना ही नहीं है, कश्मीर क्या पहाड़ों पे जाना ही नहीं है। फाइनली उस जगह पर आ गए जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, और इतना गंदा लैंडस्लाइड हुआ है कि अभी तक काम चल रहा है, गड्ढे भी इतने गहरे गहरे हैं कि पूरी गाड़ी समा जाए। खुद अल्लाह का शुक्र है हमारे पास SUV है, वरना होती ना सेडान या हैचबैक, पता नहीं क्या होता उसका। तो बहुत ही गंदा लैंडस्लाइड हुआ हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहे हैं तो नॉर्मल बात है, अप्रैल में तो ये होता ही रहता है। अप्रॉक्सीमेटली हम 100 किलोमीटर आ गए होंगे, अभी शाहिद को मैंने भेजा पानी भरने के लिए, क्योंकि गाड़ी के जो डिस्क है ना ब्रेकिंग की वजह से वो गर्म हो जाता है तो फिर लगते नहीं है, तो इसलिए उसको पानी भरवाऊंगा।
बट अभी अगर तुम वेदर देखोगे, ये अभी ऊपर का वेदर हो रहा है, और यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उतरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा एरिया, मतलब जितना भी तुम देख रहे हो सारा लैंडस्लाइड का एरिया, इतना लैंडस्लाइड हुआ, हमें लगा सिर्फ एक या दो जगह हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी जगह पर हुआ है, और शाहिद हमारा वहाँ गया है, ये जो झरना देख रहा हूँ, ओ आ गया हिमालय वाटर लेकर आया है गाड़ी पर डालने के लिए, तो फटाफट से डिस्क पे पानी डालेगा, उसके बाद हम निकल रहे हैं। सो ऑल राइट गाइज, हम लोग पहुंच गए जम्मू, और अभी टाइम हो रहा है 7:15, 3 घंटों में हम लोग नीचे आ गए, और यहाँ पर रुक कर अब हम गाड़ी वॉश करवा रहे हैं अपनी, क्योंकि हमारी गाड़ी हो गई है बहुत ही ज़्यादा गंदी, बाहर से तो गंदी हो ही रही है, अंदर से भी बहुत गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो देख ही रहो क्या हाल हो गया गाड़ी का। तो अब यहाँ से गाड़ी वॉश करवाएंगे, गाड़ी वॉश करवा कर पहले सोचा था कि पठानकोट में स्टे कर लेंगे या कुल्लू में स्टे कर लेंगे, बट अब ये दोनों कह रहे हैं कि दिल्ली ही चलो, तो प्रॉबेबली ये गाड़ी धुलवाने के बाद हम सीधा दिल्ली के लिए ही निकलेंगे, और मे बी शायद रुक भी जाए, कुछ कह नहीं सकता, जैसा भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और नीचे उतरने के बाद तो सारे, मतलब जितने भी ग्लेशियर्स थे सारे गायब है ही नहीं कुछ, अब फटाफट से गाड़ी धुलवाते हैं, गाड़ी धुलवाने के बाद फिर निकलते हैं। ऑल राइट गाइज, अभी हो रहे हैं रात के 1:30 बज गए हैं, और हम 3:15 बजे, मतलब 3:15 के निकले हुए थे, और अब रात के 1:30 बजे हैं, जब से लेके अब तक नॉन स्टॉप गाड़ी चली है, इवन मेरी आंखें भी पूरी लाल हो रही हैं नींद की वजह से, और अभी हम अभी हम पहुँचे हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हम खड़े हैं सबवे के नीचे, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज, तो मैंने इन दोनों को बोला, मैंने कहा गाड़ी में रोकने वाला नहीं हूँ घर से पहले, तो इनको सबवे दिखा, कह रहा भाई सबवे ले ले, गाड़ी चलाते चलाते खा लेंगे, तो सबवे खाएंगे, सबवे खाने के बाद यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली घर होगा 350 किलोमीटर, सो होपफुली 5 या 6 बजे तक पहुँच जाएंगे होपफुली। सो ऑल राइट गाइज, 15.5 घंटे की मेहनत करने के बाद हम लोग पहुँच गए अमरिक सुखदेव मूर्थल, जो यहाँ पर है ऑब्वियसली, और टाइम अभी हो रहा है 5:45 AM, तो अब यहाँ पे अच्छे से फ्रेश होंगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, और यहाँ से तो अब घर पहुँच ही गए, बस अप्रॉक्सीमेटली एक घंटा बचा है, 1 घंटा लगेगा प्रॉब्ली, तो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सीरीज़। अगर तुम लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई है तो यार उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करके, शेयर करो, और जितना हो सके उतना फैलाओ इसको, यार बहुत मेहनत लगी है क्योंकि इसको बनाने में, आवाज़ भी पूरी मेरी ख़राब हो गई फिर से। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर तुम लोग कश्मीर जा रहे हो, इवन किसी भी पहाड़ों पर जा रहे हो, डो नॉट गो इन अप्रैल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, घूमने में भी मज़ा नहीं आएगा, बारिशों में फंसे रहोगे, ट्रैफिक में फंसे रहोगे, और बहुत सारी चीज़ें, बाकी एज यू विश। और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा था वीडियो का, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं था, ये क्या था क्या नहीं था, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई चीज़ के साथ, जब तक बाय बाय।